यहाँ आप देखेंगे कि बाहर जितना भी एरिया है यहाँ पूरी वेजिटेशन होती है समर्स में, अब विंटर्स की वजह से यहाँ कोई भी वेजिटेशन इस टाइम नहीं है। तो और वहीं आप इन कंट्रास्ट ग्रीन हाउस में देखेंगे तो पूरी वेजिटेबल्स, हाँ जी, तो वहाँ अंदर सारी सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स और प्लांट्स, फ्लावर्स, सब कुछ है। तो ये जो सारा इसका इफेक्ट है वो पूरे बिल्डिंग में जाता है, और बिल्डिंग में जाने की वजह से हमारी जो लाइफ है यहाँ एकदम गर्म टेम्परेचर हो गया। देखो ये देखिए, आप अंदर एंटर करते महसूस करेंगे कि यहाँ पूरी हीट की फीलिंग, पूरी जैसे एयर कंडीशनिंग हो गई है, हीट कंडीशनिंग हो गई है सारे। देखिए वो मैडम यहाँ पे खुद सारा अपने हाथों से जुले मैम ले, क्या कर रहे हो आप? ये क्या चीज है? साग? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मंगोल सब्जी बनाएंगे इसका, फिर सूप सब्जी। ये खुद इनको पैशन है कि अपने आप सारा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, जॉब भी करते हैं और उसके बाद यहाँ अपना घर भी सुबह शाम कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग इस कंसेप्ट को आगे लेकर जा चुके हैं और उसको यूज भी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैम आप बैठ के अपनी हैं, यहाँ पे हाँ बैठ के हम अपना कोई भी काम, अपना चाहे ऑफिशियल काम है या कुछ और काम है, यहाँ पे बैठ के आराम से बिल्कुल बिना ये सोचे हुए कि बाहर -20 है या -13 है, पूरा आराम से काम हो जाता है। इवन तो जब आप जनवरी में आते हैं, जनवरी में आए थे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को ठंड या कभी कुछ? कभी भी नहीं लगा, कभी भी नहीं। जितना डर लेकर आई थी मैं तो ऐसे लगता था कि पता नहीं वहाँ पैर भी एरोप्लेन से बाहर कैसे रखेंगे, कि पता नहीं बाहर निकलते फ्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ आते ही ऐसे लगा कि कुछ ऐसा डर नहीं रहा, वो फियर खत्म हो गया।